सो मच सबसे पहले तो। और फिल्म हमारी 22 तारीख को रिलीज़ हो रही है, और सबसे एक ही गुजारिश है कि आप जाएं, फिल्म देखें, फिल्म को एंजॉय करें। एंड आई एम श्योर कि आप जब जाएंगे सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने, और जब निकलेंगे, तो जो आपकी ज़िंदगी में आपने दोस्तों के साथ मस्ती की है और उसके बाद जो आपने मिस किया है, सब आपको याद आ जाएगा। दोस्ती ज़िंदाबाद, जैसे टाइटल ही दोस्ती ज़िंदाबाद है, तो फिल्म बेस ही तीन दोस्तों की कहानी है, जिसमें उनके अप एंड डाउन दिखाने वाले हैं। पहले हम कॉलेज लाइफ दिखाएंगे, उसके बाद कॉलेज लाइफ के बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सबकी लाइफ में, उनको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि एक ऐसा टाइम आता है कि आपकी फैमिली भी पीछे हट जाती है, या फिर उनको चीज़ें आप बता नहीं पाते हैं। लेकिन सिर्फ एक दोस्त ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में जो हमेशा हर वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है। प्रमोशन तो शुरू हो चुका है, आपने देखा होगा, ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रहा है, सभी जगह पे है, और मोर देन 30 थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है। आपको हर सिटी में फिल्म देखने को मिलेगी, आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी सिटी को मिस कर पाएंगे। आई एम श्योर कि आप अपने आसपास के सिनेमा घर में फिल्म को ज़रूर पाएंगे। स्टार कास्ट में मैं हूँ, देव शर्मा हैं, अब्बास खान हैं, और सपोर्टिंग में हमारे साथ अच्छे, ऐसे अगर हम बोलें कि जिन्होंने पहले बहुत काम कर चुका है, जिनके साथ हमें काम करने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, शक्ति कपूर जी हैं, मोहन जोशी हैं, अयूब खान जी हैं। और फिल्म में आपको सारा तड़का मिलने वाला है, स्टार कास्ट आपको मिक्सअप मिलेगी, नए लोग भी मिलेंगे और पुराने दिग्गज लोग भी मिलेंगे जिनको इंडस्ट्री में लोग अच्छे से जानते हैं। और अगर बात करें म्यूज़िक की, म्यूज़िक बहुत प्यारा है, सोनू निगम जी हैं जिन्होंने मेरे लिए दो गाने गाए हैं, पलक मुंचाल हैं, और विश्वजीत भट्टाचार्य का म्यूज़िक है जो सब लोगों को पसंद आएगा। मैंने कहा ना, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ ऐसी होती है जो आप अपने आप चुनते हैं। सारे रिलेशन आपको हमेशा मिल ही जाते हैं, आप पैदा हो तो माँ बाप मिल जाते हैं, भाई बहन मिल जाते हैं, लेकिन दोस्ती हम अपने आप बनाते हैं। तो ये जो एक नाम है ना, दोस्ती जिंदाबाद, यही एक खुद एक ऐसा लोगो है कि आपको सिनेमा घर तक लेके जाएगा, आपको अपनी दोस्ती याद दिलाने के लिए। बिल्कुल, मेरे हिसाब से जब लोग निकलेंगे तो ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और जिनके साथ उनके दोस्त नहीं होंगे उनको मिस कर रहे होंगे, और जरूर बाहर निकलते हुए कहेंगे दोस्ती जिंदाबाद। अभी इसके अलावा मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, भुज भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, टी सीरीज़ का फिल्म है, 21 तारीख से सेकंड शेड्यूल हम लोगों का शुरू हो रहा है, अभी मैं उसी के लिए निकल रहा हूँ 21 को। उसके बाद अभी भुज से नेक्स्ट है, दिसंबर में फिल्म शुरू हो रही है, रणवीर सिंह के साथ में YRF का फिल्म है, अभी अनटाइटल्ड है, मे बी दिसंबर 10 तक टाइटल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। आशीष सर, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है? सुनने में आया फिल्म आप रिलीज किए। हाँ, 22 नवंबर को दोस्ती जिंदाबाद रिलीज हो रही है, और तो रिलीजिंग की क्या तैयारियाँ हैं उसके बारे में बताइए। भाई अब तो टाइम करीब है, पूरी तैयारियाँ चल रही हैं, प्रमोशन जोर शोर से चल रहा है, सिनेमाघर फाइनल किए जा रहे हैं, 300+ सिनेमाघरों में पिक्चर ऑल इंडिया रिलीज हो रही है। बॉम्बे के अलावा और कहाँ कहाँ इसका प्रमोशन होने वाला? सब जगह चल रहा है, यूपी में, दिल्ली में, सब जगह चल रहा है। और स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म के किस तरह की स्टार कास्ट है, दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, इस फिल्म में देव शर्मा हैं, अब्बास खान हैं, राहुल चौधरी, साक्षी मैगो, साबिया तरवाला, पूर्वा नैन, शक्ति कपूर, किरण कुमार, मोहन जोशी, अयूब खान, राजीव निगम, श्रद्धा शर्मा, काफ़ी लोग हैं। फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ जानकारी अगर आप दे सकें। देखिए, फिल्म का नाम है दोस्ती जिंदाबाद, तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि फिल्म ये दोस्तों पे है, और ये एक तीन दोस्तों की कहानी है, ये उनकी एक जर्नी है फ्रेंडशिप की। हाँ, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सबसे प्यारा सवाल आपका है। देखिए, ऐसा ऐसा है कि आज के टाइम पे जो थोड़ा बहुत एक रिश्ता बचा है, ऐसा मुझे लगता है, वो एक दोस्ती का रिश्ता बचा है, और ट्रू फ्रेंड्स में वो भी बहुत कम ट्रू फ्रेंड्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये फिल्म तीन दोस्तों की एक कहानी है,
उनकी ट्रू फ्रेंडशिप है जो आज के यूथ को, आज के दौर के लोगों को और सभी वर्ग के लोगों में, मैं अगर कह रहा हूँ, सबको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, और एक बहुत खास बात, ये तीन दोस्तों की कहानी है तो इसका मतलब इसमें तीन कैरेक्टर हो गए, तो जो भी दर्शक इसको फिल्म देखने जाएगा वो उन तीनों में से किसी एक कैरेक्टर से अपने आप को कनेक्ट कर लेगा, उसको लगेगा ये उसकी खुद की कहानी है। गाने पे कितनी मेहनत की गई है फिल्म के अंदर? गाने फिल्म के बहुत अच्छे हैं, जी म्यूजिक ने इसको रिलीज किया है और सचिन आनंद और विश्वी भट्टाचार्य दो यंग टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सोनू निगम, सुनिधि चौहान, पलक मुच्छल, जावेद अली, अनामता खान, विक्रांत भरतिया, तानिया गुप्ता, इन लोगों ने गाया है। गाने फिल्म की यूएसपी आप कह सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ पार्थो घोष का डायरेक्शन है तो उसी के इक्विवेलेंट फिल्म के गाने हैं। मैं दर्शकों से अपील करूँगा कि हम सबकी बड़ी कड़ी मेहनत लगी है इस फिल्म में और यकीनन फिल्म एक अच्छी बनी है और आप सब लोग थिएटर तक जरूर जाएं, एक बार फिल्म को जरूर देखें, मुझे लगा है वो निराश नहीं होंगे और वो हमारी मेहनत को सराहेंगे। मतलब जब बाहर निकलेंगे ऑडियंस जो देखकर आपकी फिल्म को, दोस्ती को याद करेंगे 100%। वो याद नहीं करेंगे, वो पिक्चर देखने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो उनका जो भी करीबी दोस्त होगा उसको डेफिनेटली फ़ोन करेंगे और कहेंगे कहाँ है वे दोस्त, जिंदाबाद। थैंक यू जी। सनील साहब क्या कहेंगे, आज फिल्म का प्रमोशन चल रहा है उसमें आप भी शामिल हैं तो कुछ बेसिकली जो एक फिल्म रिलीज़ होती है उसमें रिलीज़ पार्ट बहुत बड़ा होता है, जिस हिसाब से एक प्रोसेस होता है फिल्म बनाने का, एक उससे बड़ा पार्ट होता है फिल्म को रिलीज़ करने का, जिसमें इसमें बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, जैसे फिल्म बनाने में प्री पोस्ट और प्रोडक्शन होता है, वैसे ही फिल्म में प्रमोशन, मार्केटिंग और रिलीज़ और सिनेमा प्लानिंग होती है। तो आज बहुत अच्छा है, 22 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, 22 नवंबर को, और फिल्म का कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों में अप्रिसिएशन है, तो बहुत खुशी होती है ये सब देख के। डेफिनेटली बहुत एक उम्मीद होती है, क्योंकि सबसे पहला रिस्पांस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को होता है फिल्म का, तो उसकी पहली उम्मीद यही होती है कि फिल्म के ऊपर बहुत मेहनत किया जाए, क्योंकि लास्ट जो मेहनत होती है, जो लास्ट क्रिएटिविटी होती है वो एक डिस्ट्रीब्यूटर की होती है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, प्रोड्यूसर्स के सारे पैसे लगे होते हैं, तो अगर फिल्म अच्छे से रिलीज़ और प्रमोट नहीं होगी तो फिल्म का बिजनेस नहीं आएगा। बेसिकली पैन इंडिया हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं इसको और 350+ सिनेमा में हम लोग अभी तक के टारगेट कर चुके हैं, तो होपफुली ये 300-500 के बीच में एक अच्छी रिलीज़ हो जाएगी। एक डिसेंट फिल्म मैंने देखी है, फिल्म बहुत अच्छी है और जिस हिसाब से फिल्म में तीनों दोस्तों की कहानी है उसमें देव शर्मा का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उनके दो कैरेक्टर हैं उसमें, एक आधी फिल्म में वो सरदार बन के आते हैं तो वो कैरेक्टर बहुत इम्प्रेसिव कैरेक्टर है, तो वो पब्लिक को बहुत एंटरटेन करेगा। प्रमोशन की क्या प्लानिंग है? प्रमोशन जैसे होता है बाकी फिल्मों को कॉर्पोरेट के स्टाइल से, हम वैसे ही करते हैं, इसमें 4-5 मीडियम्स होते हैं, 5 मीडियम्स होते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया है, आउटडोर मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो वो सारे मीडियम से हम लोग जो है अपने प्रमोशन को टारगेट किया है। ये है कि इसका बहुत बड़ा बजट नहीं है लेकिन क्रिएटिविटी से हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं और पब्लिक इसको ट्रॉल कर रही है, तो वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। दर्शकों से क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि आप जिस तरह से बड़े स्टार की फिल्म देखने जाते हैं उस तरह से ये सब फिल्में भी देखिए और इनको भी चांस दीजिए और देखिए किस हिसाब से ये फिल्में टारगेट करती हैं, आपको एंटरटेन करती हैं, एक अच्छा हेल्दी एंटरटेनमेंट है। तो 22 नवंबर को आप जाइए अपने नियरेस्ट सिनेमा में और इस फिल्म को एंजॉय करिए। मतलब दोस्ती की अहमियत समझिए। डेफिनेटली दोस्ती है और हर आदमी के जीवन में एक दोस्ती बहुत अहम चीज़ होती है, तो हम कहना चाहेंगे दोस्ती जिंदाबाद।